स्वागत है आपका बिंदी से एमटी न्यूज में। कृष्णकांत सिंह हरी अपडेट के दिन भर की खास। नेहलुआ चौराहे के पास दो मोटर बाइक में आमने सामने से हुई जोरदार टक्कर, घटना स्थल पर हुई 3 लोगों की मौत। रंगई स्थित बेतवा पुल का निर्माण कार्य है जारी। बाड़ वाले श्री गणेश मंदिर पहुंच मार्ग होगा परिवर्तित। कलेक्टर सहित भाजपा नेता ने किया मौका मुआयना। और रामलीला मैदान में लाइसेंसधारी पटाखा विक्रेताओं के लिए जगह हुई आवंटित। अन्य नाराज पटाखा विक्रेता पहुंचे भाजपा नेता के निवास पर। अब खबर विस्तार से। तहसील कुरवाई के महलुआ चौराहे के पास शुक्रवार की शाम 6 बजे के लगभग आमने सामने दो बाइक की जोरदार भिड़ंत होने के कारण मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल को जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। परिजनों के अनुसार दो बाइकों में से एक बाइक पर सवार रामराज दांगी और सुरेंद्र दांगी थे। दूसरी बाइक पर अज्ञात व्यक्ति के नाम का पता नहीं है। तीनों की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई थी और सुरेंद्र चौबे को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। एक पक्ष के परिवार के लोगों द्वारा जानकारी दी गई। कहां करने वाले हैं? ये कैसे खत्म हुए और कहां एक्सीडेंट हुए? कुछ सावापन घटना पे तो हते नहीं, तो बाद में पहुंचे हैं परवाए। कहां पे जानकारी मिली, कहां पे हुआ था एक्सीडेंट? महलुआ चौराहे से 3 किलोमीटर आगे। कैसे हुआ ये जाना हम कार्य नहीं। अच्छा, तो जो खत्म हुए हैं आपके पक्ष के, वो कितने थे? जाने 3 लोग हैं। उनके नाम मालूम है आपको? नहीं मालूम। नहीं, एक का है नाम। हाँ, तो उनके दो के नाम बताएं। वो एक रामराज ठाकुर, एक सुरेंद्र चौबे। कितनी उम्र होगी इनकी? लगभग 28-30 लोग। कहाँ के रहने वाले? परी रहने वाला, परवा क्षेत्र। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ कैसे हुआ और कितने लोग घायल हुए थे? मृत्यु स्पीड पर तो नहीं था मैं, आमने सामने मोटरसाइकिल दोनों टक्कर हुई आमने सामने से, उसकी सांस चल रही थी। वो बता रहे थे लोग बार के ऑन द स्पॉट हुआ। कितने लोग खत्म हुए टोटल? टोटल ये सुनने लगा 4 हो गए। 4 नाम बताएं किनके, कौन कौन है? अरे तो रामराज है, सुरेंद्र चौबे, और दो का पता नहीं सर वो कौन थे। अच्छा, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? पसंद परिवार। और वो लोग? उसका मुझे पता नहीं। तो दोनों बाइक से थे? आमने सामने दोनों बाइक। कहाँ की घटना ये? अपने महलुआ चौराहे से वो गहरा उसके यहाँ पे, मतलब महलुआ चौराहे जैसे रोड पर, और महलुआ चौराहे से 3-4 किलोमीटर आगे का। तो ये जो दो आपके साथ साथी हैं, भाई है, इनकी शादी वगैरह हो गई थी क्या? सर हाँ, शादी। कुत्ते, ये जो अभी एक्सीडेंट का मामला है, कहाँ से आया, क्या नाम है, किस तरीके से? कुरवाई CSC से रेफर आया है। हमारे पास जब ये आए मृत अवस्था में आया था, और प्रथम दृष्टा में ऐसा लग रहा है कि ये शायद एक्सीडेंट का केस है। कोई और कोई जानकारी प्राप्त हुई आपको इनके? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। बेतवा नदी स्थित बाड़ वाले श्री गणेश मंदिर के सामने बेतवा पुल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं पुराना पुल भी अपनी आयु सीमा पहले ही पूरी कर चुका है। बेतवा पुल निर्माण के चलते श्री गणेश मंदिर पहुंच मार्ग परिवर्तित हुआ है। आज मौका मुआयना करने के लिए कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, SDM गोपाल वर्मा, नगरपालिका CMO व पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन व इंजीनियर की उपस्थिति में परिवर्तित मार्ग का नक्शा तैयार करने पर चर्चा हुई और जगह का मौका मुआयना किया गया। वो सब आवाज़ नहीं।
ब्रिज का निर्माण नया हो रहा है और यहाँ पर जो गणेश मंदिर है उसका रास्ता बंद होगा, उसके लिए अपन क्या विकल्प तैयार कर रहे हैं? देखिए, विकल्प तो जो ब्रिज बना हुआ है उसकी जो डिजाइन है उसमें ऑलरेडी है, इसके दोनों साइड में ऑलरेडी ब्रिज कॉरपोरेशन ने सर्विस रोड दिया हुआ है और वो सर्विस रोड हम बनाएंगे। आज इसका प्रॉपर चल रहा है और जमीन जगह हमारे पास उपलब्ध है, बहुत जल्दी ही उसका काम चल रहा है। सदियों ये ब्रिज भोपाल या पुल हम लोग देख रखने बन रहा है। यहाँ पर जो मंदिर है यहाँ पर गणेश जी का और ये ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, मंदिर का रास्ता किस तरीके से अपन सुनिश्चित करेंगे? इसका ऑलरेडी प्लान किया हुआ है, दोनों साइड से सर्विस रोड दी जा रही है और एक साइड से आने वाला ट्रैफिक होगा और एक साइड से जाने वाला ट्रैफिक होगा। आने वाले ट्रैफिक को पुल के नीचे से रास्ता की सर। ये कब तक तैयार हो जाएगा? ये 10 जनवरी तक कम्प्लीट होगा। दिवाली का पर्व आने वाला है। वहीं रामलीला मैदान में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी पटाखे की दुकानें आवंटित हो गई हैं। लाइसेंसधारी 130 दुकानदारों को परमिशन दी गई है। बिना लाइसेंस वाले पटाखा विक्रेताओं के सामने परेशानी आने से वह भाजपा नेता मुकेश टंडन के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी परेशानियां उनके समक्ष रखी। हमारा नेता कैसा हो? नहीं जी, हमको तो 25 तारीख तक जितने लोगों के आवेदन जो आपने सबसे 242 लोगों के आवेदन 25 तारीख को 30 लाइसेंस स्वीकृत हो गए, बाकी के रिजेक्ट हो गए। इनने पहले तो जगह दे दी सबको। अब ये कह रहे हैं जिसका 208 जिन्हें 25 अक्टूबर तक अप्लाई कर रहा था, 208 व्यापारी को सबको लाइसेंस साहब ने नहीं दिया, एसडीएम साहब ने, लेकिन अब बात हो गई सबको जारी करेंगे। जिनने 208 लाइसेंस 25 तक हम मुकेश टंडन जी आदरणीय भाई साहब के पास आए थे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी के पास हम आए थे, 208 लाइसेंस की हमने बात करी। हमने 208 लाइसेंस के लिए अप्लाई करा था एसडीएम साहब के पास, उनने 130 दिए थे, बाकी उनने नहीं दिए थे किसी कारणवश नहीं दिए, लेकिन बात हो गई है और उनने 208 पूरे जिनने नगर पालिका ने जिनको दुकानें वो करिए स्वीकृत करिए 208 लाइसेंस उनने बोल दिया 208 लाइसेंस स्वीकृत कर दिए हैं। साहू नाम है। अरे जी, क्या कार्य करते हैं? मैं फटाखे दुकान में काम करता हूँ। क्या दिक्कत हुई थी अभी? अभी दिक्कत जो आई थी 208 लाइसेंस स्वीकृत हुए थे नगर पालिका की तरफ से, पर अभी आज जो लिस्ट आई है उसमें 130 नष्ट की सूची आ गई कि जिन लोगों को इन लोगों को मतलब दुकान नहीं देंगे। तो इसी माध्यम से आज हम अपने हमारे पूर्व अध्यक्ष हमारे भाई साहब मुकेश टंडन जी से वो बात पूरे हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सब लोग वहाँ आए थे, बात करी और उन्होंने वहाँ पर एसडीएम साहब को फ़ोन लगाकर उन्हें कहा है कि जो आदमी पहले हो चुका है 208 वही लाइसेंस होंगे चालू, और उन्होंने हमारा निकाल कर दिया। शासकीय कन्या महाविद्यालय में सुगम संगीत प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित होगा। कौन सी कॉलेज में पढ़ती है आप? जी हम गर्ल्स कॉलेज में, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज विदेशा। कॉलेज में किस तरह की एक्टिविटी चल रही है? महाविद्यालय में उच्च शिक्षा
शिक्षा विभाग के द्वारा अमृत महोत्सव के अंतर्गत जन भागीदारी से जन आंदोलन कार्यक्रम एक नवंबर 21 से 15 अगस्त 22 तक आयोजित होना है, जिसमें महाविद्यालय में 1 नवंबर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अंतर्गत आज लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक शैली में जो गायन हमारे विभिन्न अंचलों में होता है उससे संबंधित गायन प्रतियोगिताएं होंगी। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के जनक सरदार बीएम सिंह का विदिशा आगमन हुआ। सत्याग्रह संघ संयोजक दीपक पांडे के निवास पर उनका स्वागत हुआ। इस मौके पर विधायक शशांक भार्गव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी भी मौजूद रहे। प्रदेश के किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य के चलते मीडिया से रूबरू भी हुए और एमएसपी को लेकर उन्होंने चर्चा भी की। वीएम सिंह है, आज दिशा में आपका स्वागत है। आज किसानों के बारे में आप क्या विचार हैं आपके? किसान देश को खिलाता है, किसान खुद भूखा रह के और जो उसके पास मेहमान भी आता है उसको खिलाता है। एक सच्चा इंसान जो है आज किसान है और वो आज बर्बाद हो रहा है। उसके बेटे, अगली पीढ़ी खेती नहीं करना चाहती है क्योंकि खेती घाटे का सौदा हो गया है। उस किसान की हम बात करें जो देश के अंदर सब कुछ है पर उसके पास कुछ नहीं है, तो ऐसे में आप किस तरीके से उनके अंदर अलग जगाएंगे? अगर आप थोड़ा मेरे बारे में सर्च कर लेंगे तो मैंने पूरी ज़िंदगी इसी काम में लगाई है और एक ही चीज़ बता दूं मैं आपको, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को पिछले 25 साल में 1,00,000,00,000 रुपए से ऊपर का फ़ायदा करवा चुके हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं क्योंकि बड़ा अजीब लगता है इतना बड़ा बोलना, 1,00,00,000 रुपये से अधिक का, ये उत्तर प्रदेश में। उसके साथ में उत्तराखंड बना है बाद में, वो पंजाब हरियाणा हर गन्ना प्रांत को आपको मालूम होगा 1995-96 में हो गया था कि दिल्ली का रेट किसानों को मिलेगा ना कि राज्य का रेट। आपके ज्वारा चीनी मिल वगैरह जो हैं उनके लिए भोपाल से पहले केन कमिश्नर रेट तय करता था, एमएसपी एसएपी स्टेट एडवाइस प्राइस, वो मना हो गए थे। हमने कोर्ट से अलग से करवाया और सबको आज 25 साल लड़ने के बाद 20 अप्रैल 2020 को आदेश हुआ 5 जजों का सुप्रीम कोर्ट का कि नहीं, अब राज्य सरकार के पास अधिकार होगा गन्ना रेट तय करने का। तो सर आपने बात की है कि अगली पीढ़ी खेती करना नहीं चाहती है, तो ऐसे में अगली पीढ़ी का दोष है कि सरकारों का दोष है सर, खाद उपलब्ध करा नहीं पा रही समय पर, उसका माल रुकता नहीं है समय पर, तो इसके बारे में भी विचार करें। अगर अगली पीढ़ी अगर नहीं कर रही तो कहीं ना कहीं सरकारें भी दोषी होंगी सर इस विषय पर? सरकारों पे दोष केवल देना ठीक नहीं है, दोष हमारे पे है। सरकार कौन बनाता है? किसान इलेक्शन में वोट देता है, पर किसान बन के वोट नहीं देता, जात बरादरी में बट जाता है और उनको वोट देता है जिनको वो सोचता मेरी जात बरादरी के हैं, और वो जात बरादरी वाली सरकार में आने के बाद ठेंगा दिखाते हैं किसान को। तो आज दोष हम सबका है और अगली पीढ़ी के लिए हर पीढ़ी का फर्ज है कि अगली पीढ़ी को कुछ रास्ता छोड़ के जाएं। हम क्या छोड़ के जा रहे हैं आज? आत्महत्या, घाटे का सौदा है खेती, आज नौकरी मिल नहीं रही है, अगली पीढ़ी के बहुत लड़के ऐसे हैं उनकी शादी नहीं हो रही है, लड़की का बाप खुद खेती करता है पर अपनी बेटी का हाथ खेती करने वाले को नहीं देता है। दीपावली पर्व के आते ही शहर के मुख्य मार्ग में रौनक आने लगी है। छोटे छोटे दुकानदारों द्वारा सड़क पर ही दुकानें सजाई जाने लगी है। रंगोली, लक्ष्मी पूजन, प्रसादी बस सजावट की सामग्री की दुकानें तैयार हो रही हैं। जल लगात छनब का माल बेचते हैं सब शुद्ध एवं देवर सारे भैया है, गुरु महाराज हैं हमारे। और अब देखो सोमवार से उठता है ठीक है,
नहीं तो इतना डिम चल रहा है, पर्ची इनके पैसा सुंदर नहीं निकल रहा। एक ही रसीद कटती है वो, अभी तो 10 रुपए ही काटते हैं, अब देखो क्या फिर बढ़ा देते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही, आप देखते रहिएगा विधि सही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।